हेलो एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ चिप्स, देयर फॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्लाइड्स। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चिप्स एंड टाइप्स ऑफ चिप्स, कटिंग फ्लूड, मेथड ऑफ मशीनिंग में ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ऑब्लिक मशीनिंग एंड उसके बाद कटिंग वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ मशीनिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चिप्स के बारे में। व्हाट इज चिप्स? चिप्स क्या होता है? द अनवांटेड मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड चिप्स। मशीनिंग प्रोसेस के दौरान वर्क पीस से जो भी अनवांटेड मटेरियल को रिमूव किया जाता है उसे चिप्स कहते हैं। और ये चिप्स तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कंटिन्यूअस चिप्स, उसके बाद होता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स एंड थर्ड होता है चिप्स विद बिल्ट अप एज। तो अब हम बारी बारी से इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस चिप्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, इफ द मेटल फॉर्म्स चिप्स विदाउट ब्रेकेज ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चिप्स। मशीनिंग प्रोसेस के दौरान जो चिप्स बिना टूटे हुए बनता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चिप्स। अब इसके बाद है, दिस टाइप ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ओनली डक्टाइल मटेरियल इज मशीन्ड। कंटिन्यूअस चिप्स प्राप्त करने के लिए हमें डक्टाइल मटेरियल का यूज करना होगा। डक्टाइल मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जिसमें हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें वो टूटेगा नहीं, भले ही वो वायर में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वो टूटता नहीं है। इसे कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, स्टील, इट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ये सब डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल है और कंटिन्यूअस चिप्स बनाने के लिए हमें डक्टाइल मटेरियल की ही नेसेसरी होती है। ड्यू टू लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल विद डक्टाइल मटेरियल, सो लॉन्गर चिप्स आर प्रोड्यूस्ड एंड वी गेट गुड सरफेस फिनिश ऑन द मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लार्ज होता है, सो इनसे जो चिप्स बनती है वो कंटिन्यूअस चिप्स ही होता है और इसके चलते सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है। दीज आर फॉर्म्ड वेन द डक्टाइल मटेरियल इज मशीन्ड विद हाई कटिंग स्पीड एंड मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल फेस। जब कटिंग स्पीड हाई होगा और चिप और टूल फेस के बीच मिनिमम फ्रिक्शन होगा तब हमें कंटिन्यूअस चिप्स मिलेगा। कंटिन्यूअस चिप्स आर डेंजरस, डिफिकल्ट टू हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ। कंटिन्यूअस चिप्स जो है वो डेंजरस होती है और इसको हैंडल करने में और डिस्पोज ऑफ करने में कभी कभी कठिनाई भी होती है। चूंकि यहाँ पे चिप्स कंटिन्यूअस है सो इसका लेंथ ज़्यादा होगा और इसका मास भी ज़्यादा होगा और चिप्स का कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो चिप्स के मास और वेलोसिटी के कारण ये मोमेंटम जनरेट करेगा और यदि ये चिप्स किसी ऑपरेटर को लग गया तो उसे हानि भी हो सकता है, इसीलिए कंटिन्यूअस चिप्स जो है वो डेंजरस होता है। कंटिन्यूअस चिप्स टूल फेस के साथ बहुत देर तक कॉन्टैक्ट में रहते हैं जिसके कारण इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है। अ चीप ब्रेकर इज यूज टू अवॉइड दीज डिफिकल्टीज। जो इस तरह के डिफिकल्टीज होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए एक चीप ब्रेकर का यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ चीप ब्रेकर इज टू रिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ चीप एंड ब्रेक इट। चीप ब्रेकर का जो फंक्शन है वो ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ चीप को कम करना और इसको ब्रेक करना, जिसके कारण कंटिन्यूअस चिप्स ज़्यादा लंबा नहीं हो पाती है और छोटी में ही टूट जाती है। इससे सारे जितनी डिफिकल्टीज थी वो अवॉइड हो जाते हैं। अब इसके बाद है कंडीशन टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस चिप्स। कंटिन्यूअस चिप्स को ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे स्मॉल चिप थिकनेस, इसका चिप थिकनेस स्मॉल होना चाहिए, हाई कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए, लार्ज रैक एंगल ऑफ टूल,
टूल का रैक एंगल लार्ज होना चाहिए एंड मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करती है देन हमें कंटिन्यूस चिप्स प्राप्त होता है। तो आइए अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में ये है कि ये एक वर्क पीस है और ये हमारा टूल है। अब हम इस टूल को इस वर्क पीस के ऊपर मूव करवाते हैं जिससे मशीनिंग प्रोसेस होती है और ये चिप बाहर निकलता है। चूँकि यहाँ पे कंटिन्यूस चिप्स जनरेट होता है इसलिए यहाँ हम ब्रेकर का यूज़ करते हैं जिसका काम है जो चिप कंटिन्यूस होती है, लॉन्ग चिप होती है, उसको ब्रेक कर देना। तो यहाँ से ये चिप ब्रेक हो जाता है और ये चिप है। अब देखते हैं हम चिप का टूल फेस के ऊपर फ्रिक्शन मिनिमम हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि यूज़ ऑफ टूल मटेरियल विथ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम ऐसे टूल मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो हो। और उसके बाद है यूज़ ऑफ गुड कटिंग फ्लूड। हम एक अच्छे कटिंग फ्लूड का यूज़ करेंगे और पॉलिश्ड टूल फेस या पॉलिश्ड टूल फेस का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस चिप्स। इसका फर्स्ट एडवांटेज है बेटर सरफेस फिनिश टू द डक्टाइल मटेरियल। इसका सरफेस फिनिश बेटर होता है। और उसके बाद है लेस हीट जनरेशन ड्यू टू मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन टूल फेस एंड चिप्स। इसमें हीट जनरेशन कम होता है ड्यू टू मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन टूल फेस एंड चिप्स। लो पावर कंजप्शन, इसका पावर कंजप्शन भी लो होता है। लॉन्गर टूल लाइफ ड्यू टू लेस वियर एंड टीयर, इसका टूल लाइफ लॉन्गर होता है। तो ये था ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस चिप्स के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं व्हेन द चिप्स आर फॉर्म्ड इज नॉट कॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग मशीनिंग इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स। मशीनिंग के दौरान जो चिप्स कॉन्टिन्यूस नहीं होता है उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स। जैसे इसका चिप्स बनता है जल्दी ही टूट जाता है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स के नाम से जाना जाता है। दिस टाइप्स ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्रिटल मटेरियल इज मशीन्ड। जब हम ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उस केस में हमें डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम चाहते हैं कि डक्टाइल मटेरियल का हमें डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स प्राप्त हो तो उसके लिए जो वर्क पीस है वो हार्डनेबल होना चाहिए। वर्क मटेरियल शुड बी हार्डनेबल। सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल विल नेवर फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स। ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल ग्रे कास्ट आयरन है, ब्रॉन्ज है एंड हार्ड ब्रास है etc. ये सब एग्जाम्पल है ब्रिटल मटेरियल का। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लाइक ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रॉचिंग etc. आर प्रोड्यूस डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स। सिंस द चिप्स ब्रेक इन टू अ स्मॉल चिप सो द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द चिप रिड्यूस एंड रिजल्ट इन बेटर सरफेस फिनिश। इसमें जो चिप होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है और इसका बेटर सरफेस फिनिश हमें मिल जाता है। दी चिप्स आर कन्वीनियंट टू कलेक्ट, हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ। डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स कैन बी ऑब्टेंड बाय फॉलोइंग कंडीशन। डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स को प्राप्त करने के लिए हमें इन सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला तो है लो फीड रेट, इसका फीड रेट लो होना चाहिए। हाई कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। स्मॉल रैक एंगल ऑफ टूल, टूल का रैक एंगल स्मॉल होना चाहिए। कटिंग विद द यूज़ ऑफ कटिंग फ्लूड, इसका जब भी हम कटिंग करेंगे, मशीनिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें कटिंग फ्लूड का यूज़ करना चाहिए। टू मच डेप्थ ऑफ कट एंड फ्रिक्शन शुड बी मैक्सिमम बिटवीन टूल चिप इंटरफेस। टूल इंटरफेस के बीच इसका जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस केस में हमें डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स मिलेगा। तो चलिए अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये एक ब्रिटल मटेरियल है जिसके ऊपर हम मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं।
यहाँ जब मशीनिंग करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल से डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स प्राप्त होता है। ये डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स छोटे छोटे पार्ट में टूट के बनता है, इसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स। ये जो चिप्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट में बनते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं। तो ये था हमारा डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं चिप्स विथ बिल्ट अप एज। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। दिस टाइप्स ऑफ चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन डक्टाइल मटेरियल इज यूज्ड फॉर मशीनिंग व्हेन द हाई फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। जब हम डक्टाइल मटेरियल का मशीनिंग करते हैं और टूल और वर्क पीस के बीच का फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमें कंटिन्यूस चिप्स विथ बिल्ट अप एज मिलता है। इसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है कि द मटेरियल शुड बी डक्टाइल एंड स्मॉल चिप थिकनेस। इसका चिप थिकनेस स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है स्मॉल एंड पॉजिटिव रैक एंगल। इसका रैक एंगल स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। एंड मीडियम फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इसका फीड और डेप्थ ऑफ कट मीडियम होना चाहिए। कटिंग स्पीड शुड बी लो और मीडियम। इसका कटिंग स्पीड लो होना चाहिए या फिर मीडियम होना चाहिए। बिल्ट अप एज क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं देन वर्क पीस और टूल के बीच कुछ न कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है और इसे फ्रिक्शन के जनरेट होने के कारण हीट भी जनरेट होता है, जिसके कारण चिप्स मेल्ट होकर के टूल पे आकर चिपक जाता है और यही जो प्रोसेस है कहलाता है बिल्ट अप एज। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टूल के ऊपर चिप का कुछ परत आकर जम जाता है, इसे कहते हैं बिल्ट अप एज। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ट अप एज कैन बी रिड्यूस्ड बाय। बिल्ट अप एज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इंक्रीजिंग कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड को इंक्रीज करके हम बिल्ट अप एज को रिड्यूस कर सकते हैं। डिक्रीजिंग फीड रेट। फीड रेट को डिक्रीज करके हम इसका बिल्ट अप एज को रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एम्बियंट वर्क पीस टेम्परेचर। वर्क पीस का जो एम्बियंट टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रैक एंगल। रैक एंगल को इंक्रीज करके भी हम बिल्ट अप एज को कम कर सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मतलब है हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करके बिल्ट अप एज को कम कर सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कैसे होगा? जब हम उसमें फ्लूड का अप्लाई करेंगे या फिर कटिंग फ्लूड का यूज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक वर्क पीस है और हम मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें इस वर्क पीस और टूल के बीच फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण हीट जनरेट होगा और उसी हीट से चिप मेल्ट होकर के इस टूल पे आकर के जम जाते हैं, जो बिल्ट अप एज के नाम से जाना जाता है। तो ये था ऑल अबाउट बिल्ट अप एज के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं, यह एक समरी टेबल है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है कटिंग फ्लूड के बारे में। कटिंग फ्लूड क्या होता है? कटिंग फ्लूड, द फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूड इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ वर्क पीस एंड कटिंग टूल। कटिंग फ्लूड का मेन काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना एंड इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ वर्क पीस एंड कटिंग टूल को रिड्यूस करना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये कटिंग फ्लूड है और कटिंग फ्लूड का जो मेन फंक्शन है, कटिंग फ्लूड का मेन थ्री फंक्शन है और वो देख लेते हैं। इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन है कूलिंग करने का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कटिंग फ्लूड का। उसके बाद है लुब्रिकेशन का काम करता है कटिंग फ्लूड एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है कटिंग फ्लूड। द कटिंग फ्लूड, जो कटिंग फ्लूड होते हैं मे बी ऑयल, वो तो ऑयल हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ऑयल वाटर का इमल्शन हो सकता है, कोई पेस्ट हो सकता है, कोई जेल्स हो सकते हैं या फिर एरोसॉल, एयर और अदर गैस हो सकते हैं, प्लांट का ऑयल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम कूलेंट के रूप में एज अ कटिंग फ्लूड। अब इसके बाद है कास्ट आयरन इज मशीन्ड बाय ड्राई और कंप्रेस्ड एयर। कास्ट आयरन का मशीनिंग हम ड्राई या फिर कंप्रेस्ड एयर से
करते हैं एंड सॉल्युबल ऑयल का यूज करते हैं हाई स्पीड मशीनिंग के लिए एंड ग्राइंडिंग करने के लिए। एंड कटिंग फ्लूइड का एक और फंक्शन है वो ये है, कटिंग फ्लूइड इज ऑल्सो हेल्प इन फ्लशिंग चिप अवे फ्रॉम द कटिंग जोन। अब इसके बाद आता है ब्रास। ब्रास इज मशीन बाय ड्राई और स्ट्रेट मिनरल ऑयल विद और विदाउट EPA। एंड एल्यूमिनियम इट इज मशीन बाय ड्राई और किरोसिन ऑयल मिक्सड विद ऑयल और सॉल्युबल ऑयल। स्टेनलेस स्टील एंड हीट रेसिस्टेंस अलॉय, इसके लिए हम हाई परफॉर्मेंस सॉल्युबल ऑयल का यूज करते हैं या फिर नीट ऑयल का यूज करते हैं विद हाई कंसंट्रेशन विद क्लोरिनेटेड EPA। तो ये सब था हमारा कटिंग फ्लूइड के बारे में। अब देखते हैं इसके बाद मेथड ऑफ मशीनिंग। मशीनिंग करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला होता है टू डायमेंशनल कटिंग और दूसरा होता है ऑब्लिक कटिंग या फिर थ्री डायमेंशनल कटिंग। तो चलिए अब इसका हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है? इन ऑर्थोगोनल कटिंग द कटिंग एज ऑफ द टूल इज अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और कटिंग वेलोसिटी वेक्टर। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग एज ऑफ द टूल है वो परपेंडिकुलर अरेंज्ड होता है। परपेंडिकुलर किसके? तो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होता है। इन ऑर्थोगोनल कटिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई इज इक्वल टू 0 degree होता है। एंड कटिंग एज एंगल 0 degree होता है एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा 90 degree होता है। जब भी हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की तो उसमें प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल 90 degree होता है। इफ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल इज बिटवीन 0 and 90 degree, अगर प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल 0 degree और 90 degree के बीच में हो एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई इज इक्वल टू 0 degree, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फर्स्ट काइंड। टर्निंग ऑफ अ थिन पाइप, थिन पाइप का जो टर्निंग करते हैं वो एग्जाम्पल है प्योर ऑर्थोगोनल प्रोसेस का। और ये जो कंडीशन है आई इज इक्वल टू 0 degree, एंड कटिंग एज एंगल इज इक्वल टू 0 degree एंड लैम्डा इज इक्वल टू 90 degree, देन इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ सेकेंड काइंड। अब हम ऑर्थोगोनल कटिंग को एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये वर्क पीस है, ओके, और ये हम इसमें फीड दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको हम फीड दे रहे हैं। ये हमारा कटिंग टूल है, ये एक कटिंग टूल है जो हम वर्क पीस को कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फीड के बीच में और कटिंग टूल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कटिंग टूल और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल कटिंग है। और इसको कट करने के बाद जब हम इसका मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें इस तरह का शेप मिलता है। अगर हम इसके आगे भी मशीनिंग करते हैं तो हमें ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो एज अ चिप हट जाएगा और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मिलेगा। तो अब देखते हैं ऑब्लिक कटिंग के बारे में। ऑब्लिक कटिंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्री डायमेंशनल कटिंग, इसको हम थ्री डायमेंशनल कटिंग भी कहते हैं। द कटिंग एज ऑफ द टूल इज सेट एट सम एंगल अदर दैन 90 डिग्री टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर व्हिच गिव्स सम इंक्लिनेशन एंगल। ऑब्लिक कटिंग में कटिंग वेलोसिटी और कटिंग टूल के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मीन्स वो एक्यूट एंगल में होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे कहते हैं कि ये ऑब्लिक कटिंग है। द एनालिसिस ऑफ ऑब्लिक कटिंग being very complex as compared to the orthogonal cutting. Oblique cutting का analysis ज़्यादा complex होता है as compared to orthogonal cutting. तो चलिए अब हम oblique cutting को diagram से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वर्क पीस है और हम इस direction में feed provide कर रहे हैं। अब हम इसे machining करने के लिए acute angle पे एक tool set करते हैं। ये हमने एक टूल सेट किया है जो कि अक्यूट एंगल पे है, 90 डिग्री से छोटा है। मान लेते हैं इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है
और थीटा एक अक्यूट एंगल है। तो इस तरह से देख रहे हैं कटिंग टूल के बीच में और फीड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो इस तरह से जो मशीनिंग प्रोसेस होगा उसे कहेंगे ऑब्लिक कटिंग। एंड ऑब्लिक कटिंग के बाद जो हमें वर्क पीस प्रोड्यूस होगा वो इस शेप्ड का होगा। चूंकि हमने यहाँ पे एंगल प्रोवाइड किया है इसलिए यहाँ एक एंगल से कट करते हुए आगे बढ़ेगा। अब हम ऑर्थोगोनल कटिंग को और ऑब्लिक कटिंग को एक टेबल के हेल्प से समझते हैं। ये हमारा टेबल है जिसमें ये बेसिस है, ये ऑर्थोगोनल कटिंग और ये ऑब्लिक कटिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डायमेंशन, इट इज़ अ टू डायमेंशन प्रोसेस एंड इट इज थ्री डायमेंशन प्रोसेस। सेकेंड है कटिंग एज एंड फीड डायरेक्शन के रूप में देखते हैं। देन इसमें क्या है, कटिंग एज ऑफ द टूल एट 90 डिग्री इन द फीड डायरेक्शन। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, कटिंग एज जो है वो इंक्लाइंड एक्यूट एंगल पे होता है। अब देखते हैं चीप फ्लो डायरेक्शन, चीप फ्लो इन नॉर्मल टू द कटिंग एज। इसमें क्या होता है, चीप फ्लो नॉर्मल टू द कटिंग एज होता है एंड चीप फ्लो इन अ डायरेक्शन एट एंगल विथ नॉर्मल टू द कटिंग एज। फोर्थ है इसका कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स का कंपोनेंट कैसा होगा। तो इसमें ओनली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स है जबकि इसमें थ्री है। हीट डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, पर यूनिट एरिया इज मोर एंड पर यूनिट एरिया इज लेस इन ऑब्लिक कटिंग। टूल लाइफ, टूल लाइफ इज स्मॉलर इन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड टूल लाइफ लॉन्गर लाइफ इन ऑब्लिक कटिंग। इसके बाद है शियर फोर्स, एक्ट ऑन स्मॉलर एरियाज एंड एक्ट ऑन लार्जर एरिया इन ऑब्लिक कटिंग। अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव्ड, लेस मेटल रिमूव्ड एंड फास्टर एंड मोर मेटल रिमूव्ड। रिलेशन बिटवीन कटिंग एज एंड विड्थ ऑफ कट, तो इसमें क्या होगा, ऑर्थोगोनल में कटिंग एज इज बिगर दैन द विड्थ ऑफ कट एंड कटिंग एज इज स्मॉलर दैन द विड्थ ऑफ कट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ मशीनिंग। वेलोसिटी ऑफ मशीनिंग इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वेलोसिटी ऑफ मशीनिंग, उसका पहला फॉर्मूला वी इज इक्वल टू होता है पाई डी एन अपॉन 60 और ये होता है मीटर पर सेकेंड में, जहाँ पे आरपीएम, एन जो स्पीड है वो आरपीएम में है और डी डायमीटर मीटर में है। इसके बाद होता है वी इज इक्वल टू पाई डी एन और ये होता है मीटर पर मिनट में, और इसमें जो है एन, एन होगा आरपीएम में और डी होगा मीटर में। इसके बाद होता है वी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट, और इस केस में एन इज इन आरपीएम, ये जो एन है स्पीड वो आरपीएम में है एंड डी इज इन एमएम, यहाँ पे डायमीटर जो डी है वो एमएम में है, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया है। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं कटिंग वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग वेलोसिटी इन मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के कटिंग वेलोसिटी होते हैं, जिसमें पहला है कटिंग वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ कटिंग टूल मूविंग ऑन द वर्क पीस इज कॉल्ड कटिंग वेलोसिटी। कटिंग टूल की जो वेलोसिटी होती है वर्क पीस पे मूव करने के टाइम में उसे कहते हैं कटिंग वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक होता है चीप वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ चीप विद रिस्पेक्ट टू टूल इज कॉल्ड चीप वेलोसिटी। चीप की जो वेलोसिटी होती है टूल के रिस्पेक्ट में उसे कहते हैं चीप वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वी सी। उसके बाद होता है शियर वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ चीप विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस इज कॉल्ड शियर वेलोसिटी। चीप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस इज नोन एज शियर वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वी एस। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टूल डेजिग्नेशन एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे आइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मैकेनिकल विंग।
थैंक यू सो मच।